हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। ये है स्टूडेंट्स हमारा मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स आव्यूह का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम कुछ हमारी जो एक्सरसाइज या पर्सनावली 3.3 उसके क्वेश्चन रहते हैं वो करेंगे, और फिर इसका जो लास्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होगा मैट्रिक्स का वो वाला हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन आव्यूह या मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वो वाला स्टार्ट करें। पहले इसके जो हमारे 3.3 के दो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, वो वाले करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हमने लेक्चर नंबर 18 में कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इसने कहा है कि सही उत्तर चुनिए। MCQ है स्टूडेंट्स, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हों तो ए बी माइनस बी ए एक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है यदि ए तथा बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए होगा, ए बी माइनस बी ए एक या होगा। पहले में स्टूडेंट्स ए में है एक सममित आव्यूह है, बी में एक विषम सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह या तत्समक आव्यूह है, चार है स्टूडेंट्स MCQ ABC, हमें देखना है क्या है सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट इसका, यदि ए तथा बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह है, दो समान क्रम के सममित वर्ग सममित आव्यूह स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह नहीं सममित आव्यूह है सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए होगा, ये देखना है, क्योंकि ए तथा बी सममित आव्यूह है अतः क्या लिखें स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज बराबर ए समीकरण नंबर एक तथा बी की ट्रांसपोज बराबर होगा बी के समीकरण नंबर दो। सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, देखना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा या फिर आइडेंटिटी होगा, तत्समक होगा, ये देखना स्टूडेंट। तो क्या कर लेंगे सॉल्यूशन के लिए, इसलिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, देख लेंगे क्या मान आता है, सममित आती है, विषम सममित आती है, शून्य आती है, क्या आएगी। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी का रिवर्सल लग जाएगा, क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, विपरीत क्रम, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण एक और दो से बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, वैल्यू रख लेंगे स्टूडेंट्स इधर, तो बी का ट्रांसपोज बी इंटू ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, तो ये बी ए माइनस ए बी आ गया स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ए बी माइनस बी ए, तो इसका मतलब अगर माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस का बी ए और प्लस का ए बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इधर लिख लेंगे और ये वाला इधर लिख लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स योग क्रम विनिमेय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन बाहर ये लिख लिया ए बी माइनस बी ए आ गया स्टूडेंट्स, ये यहाँ से क्या आ गया ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव में ए बी माइनस बी ए के, क्योंकि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, यदि ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर हो तो ए है वो क्या होता है, एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें MCQ है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसका जो मान है इसकी ट्रांसपोज जब हमने ली है वो इसी के बराबर आ गया, नेगेटिव में इसके बराबर आ गया, तो विषम सममित की कंडीशन होती है।
11 नंबर हो गया स्टूडेंट। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में करना है स्टूडेंट्स, इसने कहा है 12 नंबर में यदि a बराबर है तथा a प्लस एक का ट्रांसपोज i है, यदि अल्फा का मान है, अल्फा का मान देखना कितना, पाई बाय 6 दे रखा है, पाई बाय 3 दे रखा है, पाई बाय 2 दे रखा है, 3 पाई बाय 2 दे रखा है, पाई दे रखा है। 12 नंबर में क्या देखना स्टूडेंट्स, 12 नंबर में देखना है, 12 नंबर में एक मैट्रिक्स दे रखा है a 2 इंटू 2 क्रम का, तो इसने a बराबर दिया कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। यदि a बराबर कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये वाला दिया है कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो a प्लस a की ट्रांसपोज बराबर i, तो अल्फा होगा यदि अल्फा बराबर i, यदि अल्फा बराबर, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई बाय 2 3 आएगा, पाई बाय 6 आएगा, पाई आएगा या 3 पाई बाय 2 आएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि a बराबर कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये वाला a तथा a की ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, रो है वो कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम है वो रो में कन्वर्ट, तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये की ट्रांसपोज हो गया, जो कंडीशन है वो ले लेंगे, क्योंकि गिवन है, क्योंकि या प्रश्न अनुसार गिवन भी है, गिवन दैट दे रखा है a प्लस a की ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी 2 इंटू 2 क्रम का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a का मान रख लेंगे कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस a की ट्रांसपोज देख लेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, a की ट्रांसपोज है वो है कोस अल्फा साइन अल्फा और इधर माइनस का साइन अल्फा और ये वाला कोस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी आई है 2 इंटू 2 क्रम का ही होगा 1001, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड करना है कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा, तो माइनस का साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो यह आ जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, आगे स्टूडेंट्स इक्वल टू है 1001, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 + 1 2, क्योंकि योग में गुणांक जुड़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पूर्णांक घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos alpha, ये 0, इधर भी ये कट जाएंगे, तो ये 0, इधर भी 2 cos alpha इक्वल टू है हमारे पास 1001, तो यहाँ पे लिखेंगे दो मैट्रिक्स हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के समानता के गुणधर्म से, अर्थात इधर लिखेंगे अब, अर्थात आव्यूह समानता के गुणधर्म से, गुणधर्म से पहला एलिमेंट है पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, तो यहाँ से एक ही है 2 cos alpha = 1 पहला है और ये चौथा भी 2 cos alpha = 1, तो एक ही बात है कोई लिख लेते हैं, तो यहाँ से कोस अल्फा बराबर आ गया 1/2, कोस पाई बाय कोस 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फा बराबर कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है फ्रेंड्स पाई बाय थ्री होता है फ्रेंड्स, तो कोस अल्फा बराबर आ गया कोस पाई बाय थ्री, कोस से कोस कैंसिल, अल्फा बराबर आ गया पाई बाय थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन आ गया स्टूडेंट्स इसमें 2 नंबर B पाई बाय थ्री। अब स्टूडेंट्स इसका जो आगे वाला नेक्स्ट पार्ट है, आज हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का, जिसके साथ हमारी फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, प्रश्नावली 3.4 भी स्टार्ट होगी, उसके बाद इसकी विविध प्रश्नमाला है, तो इसका लास्ट पार्ट रहता है स्टूडेंट्स हमारा मैट्रिक्स का, लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स,
तो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। यहाँ अव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, अव्यूह या अव्यूह पर पहला है अव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है सर। ये वाला टॉपिक है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, या क्या स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला हमारा टॉपिक है या अव्यूह रूपांतरण, अव्यूह रूपांतरण, अव्यूह रूपांतरण है स्टूडेंट्स या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तुल्य मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। कोई भी दो समान क्रम की मैट्रिक्स दे रखी हो उन पर यदि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा एक से दूसरा मैट्रिक्स और दूसरे से पहला मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकता हो। संक्रियाओं का मतलब है दो, जैसे हमारे पास है, हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास पंक्ति और कॉलम होते हैं, कॉलम होता है, पंक्ति होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब मैट्रिक्स अव्यूह में हमारे पास पंक्ति होते हैं और कॉलम होते हैं। तो पंक्ति को पंक्ति में ऐड करके, पंक्ति को किसी कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लिकेशन करके, पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये पंक्ति की क्या होती है रो पे ऑपरेशंस है। रो ऑपरेशंस तीन प्रकार के होते हैं, जैसे पंक्ति को पंक्ति में ट्रांसमिशन कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में, दूसरी को पहली में ट्रांसमिशन कर दिया, पंक्ति को किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पंक्ति को किसी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर ली पंक्ति में। तो ये क्या है प्रारंभिक संक्रियाएं हैं पंक्ति पर। ऐसे ही कॉलम पे प्रारंभिक संख्या, पहले कॉलम का ट्रांसमिशन कर दिया, कॉलम को किसी कांस्टेंट संख्या से गुणा कर दिया, ये क्या है संक्रियाएं हैं। तो इसका मतलब है प्रारंभिक संक्रियाएं हैं स्टूडेंट्स ये। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की परिभाषा या तुल्य अव्यूह, तुल्य अव्यूह की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो देखिए स्टूडेंट्स। समान क्रम की दो अव्यूह ए तथा बी तुल्य अव्यूह कहलाती है यदि समान क्रम की दो अव्यूह, यहाँ पे लिखेंगे समान क्रम की, मतलब 2 × 2, 3 × 3, समान क्रम की दो अव्यूह, दो अव्यूह ए तथा बी तुल्य अव्यूह कहलाती है यदि, तुल्य अव्यूह कहलाती है यदि, तुल्य अव्यूह कहलाती है यदि, यदि ए तथा बी पर प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, यदि ए तथा बी पर प्रारंभिक एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा द्वारा एक से दूसरा, ए से बी या बी से ए अव्यूह बनाया जा, अव्यूह प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त किया जा सकता हो, तब ए और बी तुल्य अव्यूह कहलाते हैं, प्राप्त किया जा सकता हो तब ए तथा बी एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ये तुल्य अव्यूह कहलाते हैं, तुल्य अव्यूह कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी से, ये इक्विवेलेंस का साइन होता है स्टूडेंट्स ये वाला। तो ए जो अगर बी के तुल्य है तो ए इक्विवेलेंट बी से हम क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन की फर्स्ट डेफिनेशन है कि समान क्रम की दो अव्यूह ए तथा बी है वो तुल्य अव्यूह कब कहलाती है स्टूडेंट्स, जब प्रारंभिक, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक मैट्रिक्स से दूसरी और दूसरी से पहली प्राप्त की जा सकती है, ए से बी, बी से ए बनाया जा सकता हो, तो ए और बी क्या कहलाते हैं एक दूसरे की तुल्य मैट्रिक्स या ए इक्विवेलेंट बी से हम इसको लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रारंभिक संक्रियाएं जो है पहले है तीन प्रारंभिक, मतलब तीन प्रारंभिक संक्रियाएं होती है पंक्ति के लिए और तीन ही प्रारंभिक संक्रियाएं होती है कॉलम के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक संक्रियाएं जो है वो पंक्ति की क्या है तीनों और कॉलम की क्या प्रारंभिक संक्रियाएं, ये हम करेंगे स्टूडेंट्स हमारे 20 नंबर लेक्चर में, जहाँ पे हम इसका लास्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया है। बस प्रारंभिक संक्रियाएं देखनी है कॉलम पे और रो पर, फिर हमें देखना है कि इसका व्युत्क्रम हम कैसे बनाएंगे, व्युत्क्रम देखेंगे मैट्रिक्स का, व्युत्क्रम किस प्रकार बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो लेक्चर नंबर 20 में डिस्कशन करेंगे इस पर।